हे गाइस, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे करेंगे सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की बात और शेयर्स की बात विदाउट एनी बकवास। बस गाइस, यहाँ पे शेयर्स की बात तो हम करेंगे, बस उससे इंक्लूडेड थोड़ी सी अलग हटके बात भी करेंगे। हम देखेंगे अदानी ग्रुप के बारे में कि भाई यहाँ पे अदानी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है बहुत ही बुरे तरीके से, इससे क्या असर होगा इनके शेयर होल्डर्स पे, रिटेलर्स को इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान होने वाला है। इसमें जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है वो भी डिस्कस करेंगे, और इनको जो ड्रैग किया जा रहा है पॉलिटिकल व्यू ले ले या फिर फाइनेंशियली ले ले, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अगर जो आप इन्वेस्टेड हैं तो भी आपके लिए वीडियो है, अगर जो आप इन्वेस्टेड नहीं है होना चाहते हैं तो भी आपके लिए वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर, बहुत ही नई चीज़ें और एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग आपकी जनरेट होगी कि किसी भी शेयर के बारे में हम किस हिसाब से देख सकते हैं, किस हिसाब से फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं उस शेयर का। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो वैसे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं महुआ मल्होत्रा के उस ट्वीट से जो इन्होंने 22 जून को किया था। इस ट्वीट के बारे में आपको पूरी डिटेल मैंने वीडियो बना के दे दी थी, अगर जो आपने नहीं देखी है, वैसे तो देख लोगी पर नहीं देखी है इनकेस, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या एलिगेशन लगाया था अदानी ग्रुप के ऊपर। ये सारी डिटेल आपको चैनल मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद ये रुकी नहीं है, यहाँ पे फिर से एक एलिगेशन उन्होंने 23 तारीख ट्वीट करके लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे 23 को उन्होंने दूसरा ट्वीट कर दिया है कि आई स्टिल लाइक टू अंडरस्टैंड हुज ओन 6 बिलियन वर्थ ऑफ इक्विटी इन एंटिटी इसेंशियल कंट्रोलिंग ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट एयरपोर्ट पावर एंड प्लांट्स। मतलब यहाँ पे भी इन्होंने सेम वही एलिगेशन लगाया है जो आपने इसके पहले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि भाई 6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने करके रखी हुई है, लास्ट 10 सालों से उनको ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी FPI होल्डर के बैठे हुए, तो क्या ये अदानी ग्रुप और उनके भाई की चाल है। ये हो गई 23 जून की ट्वीट। इन्होंने फिर से 24 को यहाँ पे एक और ट्वीट कर दिया कि 14 में से 6 अदानी शेयर्स फाउंड नॉट फ्रोजन, मतलब 6 यहाँ पे जो FPI अकाउंट वो फ्रोज नहीं है, लेकिन यहाँ पे NSDL की वेबसाइट पे सेम फंड्स आर फ्रोजन। ये फंड्स की बात कर रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इन्होंने 15 और लिस्ट दे रखी है कि भाई ये अकाउंट फ्रोजन है। अब इनके ट्वीट में क्या था, मैं आपको एक बार क्लियरली पिक्चर दिखा देता हूँ किस किस फंड को इन्होंने बोला है कि फ्रोजन है। इन्होंने प्रूफ भी दिया है कि NSDL की वेबसाइट पे ये फ्रोजन है। देखिए ये सारे नाम है इनके और पेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अकाउंट लेवल फ्रोजन, और यहाँ पे जो बड़े नाम है वो भी आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे ये सारे नाम आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बड़े नाम सिर्फ दिखाऊंगा। APMS इन्वेस्टमेंट फंड, जिसकी बात स्टार्टिंग में जब 14 तारीख को आई थी न्यूज़ कि NSDL 3 FPI अकाउंट फ्रोज कर दिया है, उसमें इसका नाम था, ठीक है। और यहाँ सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि साफ सुथरा अकाउंट फ्रोजन, उनका डिटेल नाम दिया हुआ है, और एक तीसरा स्क्रीनशॉट है इन्हीं का, उसमें भी आपको अलबुला फंड का नाम मिल जाएगा जो कि आपने पहले सुन रखा। ये भी वही फंड है जो स्टार्टिंग में न्यूज़ आई थी कि 3 FPI अकाउंट फ्रोज हैं, और यहाँ पे इन्होंने ऐसे ऐसे करके 15 अकाउंट्स की डिटेल दे रखी है, आप देख सकते हैं खुद ही। ये इन्होंने 24 को ट्वीट किया, ठीक है, मैंने 24 का स्क्रीनशॉट आपको दिखाया। अब एक बार मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको, जब इन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया था 22 जून को, तो इन्होंने क्या लिखा था, मेंशन कर देखिए क्या लिखा हुआ है, मेंशन किया मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है, फिर सारी डिटेल थी। और इसके बाद मैं आपको रिसेंट इनकी ट्वीट दिखाऊंगा, यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने 8 घंटे पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब का है, ओ नो ऑनरेबल IT मिनिस्टर सो सॉरी यू आर ब्लॉक्ड फॉर 1 आवर्स, इंटरनेट एक्सेस इज डिनाइड बाई लाख ऑफ पीपल जम्मू कश्मीर फॉर मंथ एंड कर्मा इज नॉट इनफ फॉर अ बी। इन्होंने IT मिनिस्टर का नेट नहीं चल रहा था, उसकी वजह से इन्होंने उनको ट्रोल कर दिया कि भाई आपका नेट नहीं चल रहा है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी टाइम से नेट मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे इनका सीधे सीधे पॉलिटिकल फंडा है भाई, ऊपर से ये पॉलिटिक्स में है ही हैं, तो यहाँ पे ये सीधे सीधे पॉलिटिकली टारगेट कर रही हैं। यहाँ फाइनेंशियली ये चाहती नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर को बचाया जाए या फिर इसकी जाँच हो, इनका सीधे सीधे जो मतलब है वो पॉलिटिकल है। यहाँ देख सकते हैं गोडी मीडिया है तो मुमकिन है, PM ट्वीट्स डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी कैन नेवर बी फॉरगॉटन, यहाँ पे उन्हें भी टारगेट कर रखा है। तो लिटरली यहाँ आप देखेंगे ये अदानी ग्रुप को नहीं टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे PM मोदी को या फिर BJP गवर्नमेंट को। तो भाई इस टारगेशन में नुकसान तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का हो रहा है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या नुकसान, वो यहाँ से निकाले कहीं और कमा ले। पर यहाँ पे मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, दो दो चार चार पाँच पाँच लाख रिटेल भाई लोग हमारे इन्वेस्टर के बैठे हुए हैं, और इनके जैसे ट्वीट करके
उनका लाखों रुपए का नुकसान करवा के बैठी हुई हैं। पर ये चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हुई कि इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान करवा लिया। इसके पहले एक जो ट्वीट वाला मैटर था, आपको पता ही होगा, उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इनके ट्वीट की, कि 14 तारीख को जो ट्वीट आया था उसके बाद जो भी गिरावट हुई, ट्वीट साफ साफ अदानी ग्रुप के लिए नहीं था, लेकिन गिरावट अच्छी खासी हुई, लोअर सेकंड में स्टॉक रह गए और अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट हार्स क्लोज हुआ 22 को, इन्होंने 22 को न्यूज़ दे दी। पर भाई अदानी ग्रुप भी ग्रुप है, बिजनेसमैन है, कोई मजाक नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ भी आने का सिलसिला नहीं थमा है। आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप स्ट्राइक कोल एट ऑस्ट्रेलियाज चार्मिकल प्रोजेक्ट, यहाँ से इस प्रोजेक्ट के थ्रू अप्रूवल मिल गया इनको। अब वहाँ से ये कोल लेके आके 50 से 60 मिलियन का टारगेट है गाइस की इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे ये यहाँ पे। और ये प्रोजेक्ट भी अप्रूव हो चुका है जो कि पिछले 3-4 सालों से अटका हुआ था। ये हो गई पहली पॉजिटिव न्यूज़ अदानी ग्रुप के लिए। दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ की बात कर लें तो यहाँ पे महाराष्ट्र कैबिनेट ने वेडनेसडे को अप्रूव कर दिया है कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड टू ऑपरेट द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज कमिंग अप इन पनवेल। पनवेल में ये बनने जा रहा है, इसको ऑपरेट कर सकते हैं अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, मतलब अदानी ग्रुप। तो भाई ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, वहाँ से भी इनको अप्रूवल मिल गया। अब बात करते हैं तीसरी पॉजिटिव न्यूज़ की, जो कि कंटिन्यू 22 तारीख से आया जा रही है। इनसाइड गौतम अदानी प्लान टू डोमिनेट इंडिया सप्लाई चेन, ये न्यूज़ भी आप देख सकते हैं 23 तारीख की है। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी ब्लरी है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लिपकार्ट की न्यूज़ है ये, जिसकी ओनर है वॉलमार्ट, ठीक है। वॉलमार्ट का ये पूरा का पूरा जो शिपमेंट है उसको अपने अंडर में लेके ये करवाना चाहती हैं, और ये पूरी दुनिया में शिपमेंट करवाना चाहती हैं अपनी अदानी पोर्ट के द्वारा। तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, कहीं ना कहीं इनको भी फ्यूचर में ये डील होने को दिख सकती है हमें, और अदानी पोर्ट को भी बहुत ही ज़्यादा इससे प्रॉफिटेबिलिटी मिलने के चांसेस हैं। तो भाई यहाँ पे ना तो पॉजिटिव न्यूज़ आने की, यहाँ पे ना तो पॉजिटिव न्यूज़ आना बंद हो रहा है, और ना यहाँ पे महुआ जी नेगेटिव न्यूज़ फैलाना बंद कर रही हैं, कंटिन्यू पीछे पड़ी हुई हैं। अब करना हमें क्या है, क्या हम इस ग्रुप से एग्जिट कर जाएं, क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें, जो होल्डिंग है हमारी इसमें क्या हम उसको लॉस में निकाल दें, या प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर लें। तो गाइज यहाँ पे नेगेटिविटी जो आनी थी, फर्स्ट जब 14 तारीख को 3 FPI अकाउंट फ्रोजन वाली न्यूज़ आई थी जो कि फेक थी, वहाँ पे जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी, वहाँ पे जो दिखना था नेगेटिविटी वो दिख चुका। यहाँ पे अब भाई कुछ बचा नहीं है, वो न्यूज़ हो चुकी है फैक्टर इन होने का मतलब ये है, आपको एग्जांपल में दे दूँ कि जैसे जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था तो नेशनल लॉकडाउन लगते ही भाई सब के सब एकदम सीधे धूल चाटने को आ गए थे, सारे के सारे 60% 70% 80% स्टॉक गिर गए थे। उसके बाद जब दोबारा लॉकडाउन लगा, नेशनल लॉकडाउन नहीं लगा पर स्टेट लॉकडाउन करके लगभग पूरे देश में लॉकडाउन लगा और अभी भी है, और पिछले 2 महीने से है। तो भाई इस बार जो ये न्यूज़ थी लॉकडाउन की, वो फैक्टरिंग हो चुकी थी। फैक्टरिंग मतलब मार्केट ने उसको समझ लिया था और उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं किया। तो ये जो फेक न्यूज़ बोलूँ मैं इसको, या फिर ये जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं यहाँ पे लोग, ये हो चुका है अदानी में फैक्टरिंग। यहाँ पे देखें अगर जो, तो बिकवाली का दौर थोड़ा सा जारी है, गिरावट थोड़ा सा है, लेकिन भाई यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती कि हम एग्जिट कर लें। मैं अदानी पोर्ट को बोलूँ 711 रुपये का स्टॉक है, आप इसको होल्ड करिए लंबे टाइम के लिए। अदानी एंटरप्राइजेस को बोलूँ, अदानी एंटरप्राइजेस बढ़िया स्टॉक है, आप इसको होल्ड करिए। अदानी ग्रीन की बात करूँ तो पॉजिटिव मोमेंटम इसमें भी बना हुआ है, आप इसको होल्ड करिए लंबे टाइम के लिए। ट्रांसमिशन गैस पे, और मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। तो गाइज यहाँ पे इस वीडियो का मेन मोटिव मेरा अब यही था कि आपको ये समझाना कि ये ट्वीट चलता रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर यहाँ पे देखिए फिर से उन्होंने ट्वीट कर दिया विथ प्रूफ, क्या अब मंडे को स्टॉक गिर जाएगा, या फिर सैटरडे फ्राइडे को कुछ हुआ नहीं या थोड़ी सी गिरावट रही ये प्रूवन हो जाएगा तो क्रैश कर जाएगा, एग्जिट कर जाए। बहुत लोग पैनिक हुए पड़े हैं, अच्छी वैल्यू पे अदानी पोर्ट मिलने के बाद भी नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है, अदानी पावर नहीं खरीद पा रहे हैं। तो भाई आपको पैनिक नहीं होना है, आपको रखना है भरोसा, और आपको समझना है कि ये चल क्या रहा है। ये पूरा पॉलिटिकल गेम है, यहाँ पे बिजनेस को कुछ दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए अदानी पोर्ट अगर जो बंद हो जाता है तो आपको लगता है इंडियन इकोनॉमी नॉर्मल चल पाएगी, वैसे ही सब कुछ दिक्कत में है कोविड की वजह से? आपको लगता है कि अदानी ग्रीन जैसी बड़ी कंपनी, अदानी एंटरप्राइजेस जैसी बड़ी कंपनी इंडियन इक्विटी मार्केट से अगर जो बाहर निकल जाए तो मार्केट का क्या हाल होगा? भाई नहीं हो सकता। अगर जो ये एक बार को प्रूवन भी होता है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ बैक साइड में काम किया है, कुछ गलत किया है, या फिर कोई चीज़ ऐसी जो ये लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो सही भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पेनल्टी पड़ जाएगी, ठीक है, 10-20% और क्रैक कर जाएगा, 30% क्रैक कर जाएगा,
लेकिन जब क्रैक करेगा तो वहां पे हमें मौका भी तो मिलेगा निचले लेवल पे खरीदने का, क्योंकि स्टॉक तो बढ़िया है। यहाँ अगर जो ऑपरेटर ने गेम भी खेला है और इनको स्टॉक को भगाया भी है, ओवर वैल्यूड किया भी है, तो हमें तो मौका मिल जाएगा ना खरीदारी करने का जब नीचे गिरेगा। लेकिन यहाँ पे जिनकी होल्डिंग है, अगर जो नहीं गिरी और वो पैनिक होकर सेल कर देते हैं तो आप तो फंस गया ना। अगर जहाँ से स्टॉक ने रिवर्सल ले लिया और वो भाग गया तो आप तो फंस गए। तो गाइज ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और देना है हमें क्या अटेंशन और पेशेंस रखना है। ये चीज़ें प्रूवन होनी होती है अगर जो, तो भाई 22 से लेके अब तक आज 26 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको 26 को वीडियो मिल जाएगी, प्रूवन हो चुकी होती और कहीं ना कहीं अब तक जो होना तो हो चुका होता। तो मुझे तो इस न्यूज़ में दम नहीं लगता है, यहाँ पे पॉजिटिविटी आनी बंद नहीं हो रही है। तो भाई फिर से मैं बोल दूँ, अदानी हैं, कोई मजाक नहीं, बिजनेस पर्सन है, इंडिया के सेकंड सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, इन सब न्यूज़ के बाद थर्ड हो गए, लेकिन भाई कहीं ना कहीं कुछ तो पॉजिटिविटी है। और पुराने बिजनेसमैन हैं, ये नहीं है कि नए आए हैं, अभी 2-4 साल हुआ, 3 साल हुआ और खेल कर गए इनके साथ। तो यहाँ पे गाइस आप टाइटली होल्ड करिए, पेशेंस रखिए, न्यूज़ कवर करते रहिए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसी न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे, हम आपको रिफाइंड न्यूज़ अपडेट्स तो देते रहते हैं, साथ में आपको मोटिवेट भी करते हैं, किसी भी चीज़ को आपको नज़रिया देते हैं कि भाई आप किसी चीज़ को कैसे सोच सकते हैं, किसी स्टॉक को लेकर कैसे अपने व्यू रख सकते हैं। जैसे अभी रिलायंस में हमने वीडियो कल शाम को डाली थी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, वहाँ आप उस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको रिलायंस से गिरावट का रीज़न मिलेगा, साथ में एक सोचने का नज़रिया मिलेगा कि भाई हाँ ये थिंकिंग पैटर्न हमें ज़रूर जनरेट करनी चाहिए। जब तक आपकी थिंकिंग पैटर्न अच्छी नहीं होगी आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते इस मार्केट में। इसका रीज़न है, अगर जो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसको हम पॉजिटिव कैसे मानेंगे, हमारा थिंकिंग पैटर्न। अगर जो कोई न्यूज़ आती है कि इससे स्टॉक भाग जाएगा, अगर जो हमारी थिंकिंग पैटर्न अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे प्रूवन करेंगे भाई कि ये जो न्यूज़ आई है उससे स्टॉक भागेगा। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ ऐसे आते रहते हैं जिससे स्टॉक भागता नहीं है, गिर जाता है या कॉन्सोलिडेशन फेज में चला जाता है, न्यूज़ पॉजिटिव होती है उसके बाद भी। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, मार्केट को वॉच करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट को 90% टाइम वॉच करो, 10% टाइम वहाँ पे जाके काम करो। तो गाइस अब यहाँ पे वीडियो करेंगे एंड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए कि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और वीडियो को लाइक करिएगा। सो गाइस प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।